हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जोटैक का एक ग्राफिक्स कार्ड जो कि 2 GB का DDR3 है। इसका जो मॉडल नंबर है GT-610 है। इसे हम अपने सिस्टम में लगाएंगे और इसकी रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम पास किए। तो हमने ओपन कर लिया है अपना कैबिनेट और चलिए इसे फिक्स करते हैं अपने CPU में ग्राफिक्स कार्ड को। ये रहा ग्राफिक्स कार्ड हमारा, हमें इसमें इसको फिट करना है। तो चलिए देखते हैं पहले इसका स्लॉट। ये देखिए यहाँ पर इसका स्लॉट है ग्राफिक्स कार्ड का, और ये इसे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये पट्टी हमें रिमूव करना पड़ेगी, ये पट्टी जो है लॉक है, तो हमें इसको ड्राइवर की मदद से इसे खोल लेंगे। देखिए हमने यहाँ से पट्टी रिमूव कर दिया है स्क्रू खोल कर। अब हम इसमें ग्राफिक्स कार्ड इंसर्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमने ग्राफिक्स कार्ड लगाया है तो अब हमारा जो वीडियो का आउटपुट सोर्स है वो ग्राफिक्स कार्ड थ्रू ही होगा। तो हमें अपने मॉनिटर की VGA केबल जो है ग्राफिक्स कार्ड के VGA पोर्ट में लगानी होगी। देखिए पूरा सेटअप मैंने कर लिया हूँ, ग्राफिक्स कार्ड भी लगा दिया हूँ। अब हम अपने PC को करते हैं बूट। और इस पर मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, फिर उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके इसमें आगे कंटिन्यू। ये ग्राफिक्स कार्ड तो मैंने डाल लिया हो, लेकिन ये ऐसे क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें भी ग्राफिक्स का ड्राइवर नहीं है। जैसे ही मैं इसको नेट कनेक्शन देके विंडोज़ अपडेट में जाकर, अगर आपका विंडोज़ 10 है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा उसके ड्राइवर्स जो भी ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च में अपडेट लिखना है और यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देना है। देखिए अपडेट ले लिया है, चेक फॉर अपडेट उसे कर लीजिए। पर इसमें ड्राइवर्स ना होने की वजह से ऐसे दिख रहा है डिस्प्ले भी। ये देखिए डिस्प्ले के ड्राइवर्स डाउनलोड कर रहा है विंडोज अपडेट में ऑटोमेटिकली। तो विंडोज 10 का यही फ़ायदा है कि इसमें हमें ड्राइवर्स मैनुअली नहीं डालना पड़ते, ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स ले लेता है लेटेस्ट अपडेट ड्राइवर्स के। तो इसका जो सबसे लेटेस्ट ड्राइवर अपडेट जो आया था वो 27 तारीख को आया था, अक्टूबर 2017 में। तो इसकी पूरी वीडियो देखते रहे आप, और मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये रैंच सिमुलेटर गेम मैंने इंस्टॉल कर लिया हो मेरे PC में, लेकिन ये बहुत अटक रहा है। और इसमें जो अभी ग्राफिक्स कार्ड लगाया हुआ है GT-610 का लगा हुआ है, तो हम चेक करते हैं अपने टास्क मैनेजर में कि ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कितना कर रहा है। तो देखिए 100% ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करते हुए देखिए कितना लैग कर रहा है गेम, रैंच सिमुलेटर गेम बहुत ही, ये तो नहीं चलने वाला हमें ग्राफिक्स कार्ड। Okay.